हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा था सुबह मॉर्निंग का टाइम, यानी कि 7:30 को समथिंग हो रहे थे और मैं आई थी यहाँ पे नहाकर। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं पहले रसोई में बाद में जाऊँगी, पहले मैं पूजा वगैरह करूँगी मंदिर में, उसके बाद रसोई में जाके काम करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़े से मेरे बाल भीगे थे, वो मैंने अच्छी तरह से थोड़े से पोंछ लिए, और पोंछने के बाद थोड़ी सी मैं क्रीम पाउडर वगैरह लगा रही थी यहाँ पे, लिपस्टिक वगैरह। और फिर उसके बाद मुझे करना है रसोई में काम। ये सुबह मॉर्निंग का ही टाइम था तो मैं नहाकर आ गई थी सबसे पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी कर लेते हैं सुबह मॉर्निंग में पूजा, पहले मंदिर में पूजा करते हैं, फिर उसके बाद ही सारे काम स्टार्ट करते हैं करना, तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने ज्योत बत्ती और प्लेट ले ली थी मंदिर की, जो रसोई में चल के मैं धो के लाती हूँ, और फिर उसके बाद पूजा करती हूँ, मतलब ज्योत बत्ती जलाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर धो ली थी ये प्लेट वगैरह और सारी चीज़। और अब चलिए अंदर चलते हैं मंदिर के पास और करते हैं अपनी पूजा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने मंदिर में पूजा कर दी और धूप थोड़ी सी तुलसी जी के पास लगा के आनी है। तो फ्रेंड्स ये मेरी सुबह की थोड़ी सी क्लिप थी, जो मैंने सुबह थोड़ी सी ब्लॉगिंग करी थी, इसके बाद की ब्लॉगिंग मैंने शाम को करी है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो सुबह मैंने अपने बाल धोए थे, मतलब तो मैंने कंघी नहीं करी थी शाम तक, तो शाम को पहले सबसे पहले मैं कंघी कर लेती हूँ अपने बालों की, और उसके बाद थोड़ा फेस धो के आती हूँ, क्योंकि पूरी दोपहरी घर में बैठे रहो, काम करते रहो तो आलस सा आ जाता है। तो यहाँ पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से धो लेती हूँ, और धोने के बाद अपने बालों की कंघी कर लेती हूँ। और फिर थोड़ी सी बनानी थी शाम की चाय, और बच्चों को देना था थोड़ा सा दूध गर्म करके। तो यहाँ थोड़ा सा रसोई मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया, मतलब थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा था, उबलने के लिए नहीं रखा था। तो बच्चों को हॉर्लिक्स डाल के दूध देना है। तो यहाँ मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, और उसके बाद थोड़ा पहुँच के थोड़ा सही कर लेती हूँ अपने फेस को, और बाल कंघी वगैरह करके फिर दोबारा रसोई में चलती हूँ, क्योंकि अपने लिए थोड़ी चाय भी बनानी थी और बच्चों को दूध भी गर्म करके देना है। तो आप बने रहिए फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग के साथ, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मेरे ब्लॉग को। और आप लाइक करना भूल जाते हो, आप लाइक नहीं करते, और थोड़ा सा आप नए विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो यहाँ देखिए, मैं रसोई में आ चुकी थी, और रसोई में आने के बाद यहाँ पर दूध थोड़ा सा गर्म हो गया, तो बच्चों के लिए कर देती हूँ गिलास में। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी स्लिप साफ़ कर देती हूँ, थोड़ी सी स्लिप पे बर्तन फैले हुए रखे थे, चावल वगैरह बनाए थे तो दोपहर को, मतलब वो खा लिए थे, उसके बाद सारे बर्तन ऐसे ही फैले पड़े थे। तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा दूध गुनगुना किया था मैंने, तो वो उतार के नीचे रख लिया है, और बच्चों के लिए गिलास में दूध कर देती हूँ, वो ऊपर छत पर खेल रहे थे, तो यहाँ पर दूध कर दिया मैंने दो गिलासों में। तो और ऊपर से इसमें हॉर्लिक्स डाल के बच्चों को देना है, और थोड़ा सा दूध जो बचा है वो मैंने रख लिया चाय बनाने के लिए, उसकी बनाऊंगी मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय एक कप, क्योंकि घर में और कोई चाय नहीं पीता, मैं ही पीती हूँ थोड़ी सी चाय सुबह और थोड़ी सी शाम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने दूध कर दिया, लेकिन बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं दूध पीने के लिए, पता नहीं बच्चों को दूध क्यों नहीं अच्छा लगता, मुझे समझ नहीं आता। तो यहाँ देखो, परी ने ले लिया है गिलास, लेकिन ये कितनी आनाकानी करती है, नाक बंद करके दूध पी रही है, वैसे पी लेती है। तो देखिए फ्रेंड्स, परी को मैंने दूध दे दिया, परी अपना दूध पी लेगी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी रख दी चाय बनने के लिए अपने लिए, और चीनी डाल दी, मतलब चाय पत्ती डाल दी और चीनी भी डाल दी, और थोड़ी सी अदरक और डालनी है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन जाएगी, थोड़ी देर में स्लो गैस पे रख देती हूँ, तब तक मैं रसोई के बाकी काम कर लेती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह पड़े हैं थोड़े से फैले हुए, उनके साफ़ कर देती हूँ, और स्लिप वगैरह भी थोड़ी सी मैशी सी पड़ी हुई है तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने बनाए थे दोपहर के टाइम चावल थोड़े से, तो यहाँ पर थोड़े से बच गए थे कुकर में, तो वही मैं निकाल के रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये काला हो रहा है, गंदा हो रहा है कुकर, लेकिन ये बहुत सालों का हो गया ना, तो जल सा गया ना, लेकिन मुझे पुराना ही कुकर यूज़ करने की आदत है, तो इसीलिए वही यूज़ करती रहती हूँ मैं, मेरे पास दूसरा कुकर भी है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़े से चावल जो बच गए थे वो मैं रख दे रही हूँ उठा के, शाम को यूज़ हो जाएंगे, अगर कोई खाएगा तो खा लेगा, तो इसको ढक के रख देती हूँ और बाकी काम कर लेती हूँ। चाय मैंने स्लो गैस पर रख दिया तो वो बनती रहेगी, निकलेगी नहीं बाहर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अदरक डालना भूल गई थी, तो मैं अब डाल दे रही हूँ अदरक। तो यहाँ पे चाय थोड़ी सी बन चुकी है, और थोड़ी रह गई अदरक डालने के बाद, तो 5 मिनट और पकने देती हूँ तो चाय बन के रेडी हो जाएगी। तब तक मैं, शाम हो रही थी तो फिर मैं आटा गूंथ के भी रख देती हूँ, चाय बनेगी तब तक, फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी,
आटा गूंद के रख देती हूँ और सब्ज़ी देखते हैं क्या बनती है। वैसे भी हरी सब्ज़ी बच्चे कम ही पसंद करते हैं, देखते हैं दाल वाल या छोले वोले क्या बनता है। तो यहाँ पहले मैं आटा गूंद के रख देती हूँ बढ़िया तरीके से, और उसके बाद जाके अपनी चाय पीऊँगी आराम से। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आटा गूंद के मैंने रख दिया, थोड़ा सा रसोई का काम भी साफ़ सफाई भी कर दी, और अब मैं अपनी चाय लेकर आ गई थी, अपनी चाय पी लेती हूँ बैठ के। फिर थोड़े से मैंने कपड़े भी धोए थे, बहुत सारे धोए थे, थोड़े नहीं बहुत सारे धोए थे, तो उनको भी उतार के लाना है, सूख गए हैं सारे कपड़े। कुछ छज्जे पर डाल रखे हैं, कुछ छत पर डाल रखे हैं, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी यहाँ पे चाय वगैरह हो चुकी थी, और उसके बाद मैं आ गई बाहर। बाहर छज्जे पे कपड़े पड़े हुए हैं और कुछ ऊपर पड़े हुए हैं कपड़े, तो पहले छत वाले कपड़े उतार के लेने चलते हैं। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स छत पर चलते हैं कपड़े उतारने के लिए, काफ़ी सारे कपड़े छत पर पड़े हुए हैं। तो देखिए ये काफ़ी सारे मैंने कपड़े उतार लिए और थोड़े से रह गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सौ से कपड़े मैंने सूख गए थे, वो मैं उतार के नीचे लेके चलती हूँ, और कुछ सूख गए हैं अभी, मतलब थोड़े से रह गए हैं सूखने के लिए, तो वहाँ पे अभी पड़े रह लेती हूँ इनको, और जो सूख गए हैं उन्हें मैं लेके चलती हूँ नीचे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं जल्दी फटाफट कपड़े उतार के लेकर आ गई थी, फिर उसके बाद रोटी बनाने लग गई रसोई में आकर, क्योंकि काफ़ी सारा शाम के टाइम मतलब काम होता है, शाम का खाना भी बनाना होता है, और सारा सामान जो फैला पड़ा है उसको भी सही करना होता है। तो पहले मैं यहाँ रोटी बना लेती हूँ, रोटी बनाने के बाद थोड़े से बर्तन हो जाते हैं वो धो देती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने के बाद खाना बनाने के काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने आलू की सब्ज़ी कढ़ाई में बना रख दी है, तो वो बन जाएगी थोड़े से, तब तक बर्तन है वो धो देती हूँ यहाँ पर। और धोने के बाद थोड़े से जो कपड़े उतार के लाई हूँ वो मुझे तय लगा के रखने हैं अंदर जाके। तो काफ़ी सारा फ्रेंड्स काम है जो मुझे अभी निपटाना है, काम करना है, और अभी खाना पीना किसी ने खाया नहीं है, अभी थोड़ा सा ही 7:30 कुछ 8 समथिंग ऐसे ही टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पहले मैं साफ़ सफ़ाई कर देती हूँ, स्लिप साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद चलते हैं अंदर, जो कपड़े उतार के लाई उन्हें तय लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स रसोई का काम निपटा के मैं आ गई थी अंदर, और अब मुझे कोई काम नहीं था, सिर्फ यही कपड़े तय लगा के रखने हैं, बस इतना सा ही काम था। थोड़े से जो कपड़े एंगल पर टांगने थे वो मैं परी को कह रही थी कि ऊपर चढ़ के टांग दे, तो उसको दे दिए। तो यहाँ पे थोड़े से जो तय लगा के रखने हैं वो मैं तय लगा के रख देती हूँ कपड़ों को। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग छोटा सा ही मेरा ब्लॉग है, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना मेरे ब्लॉग को, और अगर आप न्यू मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मेरे चैनल को प्यार सपोर्ट ज़रूर करें गाइस, तभी मेरे चैनल थोड़ा सा आगे जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है, और थोड़ा सा रह गई थी तकियों में कवर डालना, जो मैंने आज धोए थे वो भी मैं डाल के रख दे रही हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल के न्यू ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय।